सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल दे लंबा समा प्रधान रहे हन अते पंजाब दी इस समर्थ पार्टी दे ओह बहुत वड्डे नेता गिने जांदे रहे हन। बहुत डिप्लोमैटिक जाने जांदे प्रकाश सिंह बादल पांच वार सूबे दे मुख्यमंत्री रहे हन अते ओह बीजेपी सरकार दे काफ़ी नेड़लियां विच शुमार रहे हन। हुण इह पुरस्कार वापस करन दे ऐलान नाल जो कि इन्हां दा गठजोड़ पिछला लंबा समा चलता रहा है उस दे उत्ते जां इन्हां दे रिश्तियां दे उत्ते इस बार दा की असर पैंदा है यह देखण योग गल है, क्योंकि श्रीमती हरसिमरत कौर बादल दे अस्तीफा देण नाल इस दल वल्लों वार वार प्रचार किया जाता रहा है कि असी किसानां दे हक विच अपने अहुदे त्यागी हन, असी भाजपा नालों गठजोड़ तोड़ लिया है, पर फिर भी कुछ कुछ सांझ इन्हां दी बाकी सी। हुण देखदे हाँ कि इस सांझ ते किस तरह का असर पैंदा है, जां आपस विच इह विरोध विच आउंदे हन जां किस तरह। यह भी कहा जाता है सियासी हल्कियां विच कि अकाली दल दी श्रोमणी अकाली दल दी बीजेपी नाल सांझ होण करके ही पंजाब विच माड़ा मोटा बीजेपी दा आधार बनन लग्गिया सी, पर हुण नवें खेती कानूनां ने ओह फिर खत्म कर दिता है। अते यह भी मन्या जाता रहा है कि जेकर बीजेपी दे पंजाब विच पैर लगते हैं तो वह श्रोमणी अकाली दल करके ही लगते हैं, भावें श्रोमणी अकाली दल लख आखे कि यह जे पैर किसी के लाने जाते हैं तो यह उखाड़ने भी जाते हैं, पर हाल की कड़ी सियासत बड़ी अजीब मोड़ लेंदी रही है। हुण जिस तरह दिल्ली विच मुल्क भर के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह पंजाब का किसान खेती कानूनों विरुद्ध सारे मुल्क दे किसानां दी अगवाई कर रहा है, तां सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं इह फैसला लेना पिया है। अते नाल दी नाल देखदे आ कि होर किहड़े किहड़े सियासी लीडर अपने पुरस्कार जां आपो अपने पुरस्कार मोड़न दे नाल नाल किहो जिहे पैंतड़े लैंदे हन, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींडसा होरी भी इह ऐलान कर चुके हन। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री अते श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त प्रकाश सिंह बादल होरां ने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार मोड़न का ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंधी केंद्र नूं चिट्ठी भी लिख दिती है। जिक्रयोग है कि जदों तो खेती संबंधी नवे कानून आए हैं उदों तो उन्हां दा विरोध हो रहा है, किसान हल्कियां विच इन्हां दा विरोध देखदियां सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं इह कदम चुकना पिया है। इस दे नाल ही श्रोमणी अकाली दल नालों वख होए अते केंद्र विच मंत्री रहे सीनियर अकाली आगू सुखदेव सिंह ढींडसा होरां ने भी अपना पद्म भूषण पुरस्कार मोड़न दा ऐलान किया है। पीड़ा नाल कहना पै रहा है कि जो कुछ पंजाब के किसानों नाल हो रहा, सानू उम्मीद सी कि दो सवा दो महीनों तो चल रहा संघर्ष, ये हिंदुस्तान की सरकार को सोच के यदा फैसला करेगी, किसानों सैटिस्फाई करेगी, लेकिन अज जो हालत जाके बॉर्डर से देखने को मिलती है और जिस तरह साढ़े मावां धीआं भैन बजुर्ग और नौजवान बच्चे बैठे हैं तो इतू फिर असी भी मन मेरा मन बनया कि मैं की करना है। पद्म भूषण सरकार ने दिता सी, मैं वो आपका विड्रा कर रहा इस प्रोटेस्ट में और ताकि सरकार अजे भी सोचे कि उन्होंने किसानों से सैटिस्फाई करने लिए और उन्होंने कानून वापस लवे या सैटिस्फाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਉਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਤੋਂ।
ये तुसीं वीडियो देख रहे थे टीवी पंजाब के उत्ते। एहो जे होर जानकारी भरपूर वीडियो देखने वास्ते टीवी पंजाब के चैनल में सबसक्राइब करो ते नाल हेठ दिते हुए बैल आइकन के बटन दबाओ। सत श्री अकाल।